कल की क्लास में हम लोग ने किया था नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। ठीक है, हमारा जो पैकेट था वो पूरा रेडी है, उसमें एड्रेसिंग भी हो गई है, रूटिंग भी हो गई है, पैकेटाइजिंग भी हो गई है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, आईपी एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लग चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे। किस पे आ जाते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर अब क्या करता है वो देखना आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ फोर सॉरी लेयर फोर एंश्योर दैट द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सेंड एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब जितने भी पैकेट्स बने हैं, जितने भी डेटा पैकेट्स हैं हमारे पास, वो डेटा पैकेट्स जो है वो सीक्वेंस में ही जाने चाहिए, कोई भी डुप्लीकेशन या फिर वहाँ पे कोई भी डेटा पैकेट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा हम लोग मेक श्योर करेंगे कि डेटा पैकेट जो हो वो हमेशा ऑर्डर पे जाए। ठीक है, और डुप्लीकेट डेटा नहीं जाने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कम्प्लीटली। मतलब मान के चलो यहाँ पे L4 डेटा है, ये L4 डेटा है, वो हम लोग ऐसे कंटिन्यूस में भेज दिए, वो L4 डेटा जो है वो नेटवर्क में जाके रिसीवर एंड में वो उसी सीक्वेंस में ही रिसीव होना चाहिए, और पूरा पूरा रिसीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच का पैकेट मिसिंग हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। ठीक है, अपर लेयर से वो एक पैकेट रिसीव करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ठीक है, अब सेगमेंट्स क्या चीज़ें होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग एक मूवी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जब मूवी डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आप लोग अगर यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस दिखते हैं। ठीक है, 5 या 6 कनेक्शन वहाँ दिखते हैं हम लोग को, है ना? तो वो क्या करता है, सिंगल फाइल को, सिंगल डेटा को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो उससे हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी इकट्ठा अगर फाइल को हम लोग डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत स्लो डाउनलोड होगा, क्योंकि उस फाइल को वो अपने ही डेटा रेट के अनुसार उसको ट्रांसमिट कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सेगमेंट में तोड़ देंगे, ठीक है, तो एक ही जैसे कि मान लो 1 Mbps का कनेक्शन है तो वो हम लोग को 200 KBPS का हम लोग को स्पीड देगा, वो 200 KBPS में उस सेगमेंट को पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, और जितना भी मैक्सिमम स्पीड होगा वो उसको अलोकेट कर देगा। ठीक है, मतलब जो डेटा होगा जो अपर लेयर से आ रहा है हमारे पास, तो वो उसको क्या करेगा, सेगमेंट्स में तोड़ देगा। ठीक है, दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज एंड टू एंड लेयर एंड इट प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवर द डेटा रिलायबली। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी देता है किसी भी डेटा का, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, जो भी हमारा नेटवर्क बनता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही बनता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही बनता है कभी भी। आया समझ में? जो भी हमारा डिवाइस है, जैसे कि हम लोग रूटर लगाए हैं, स्विच लगाया है, वहाँ तक तो हमारा डेटा जो है पूरा पैकेट वगैरह बनेगा, एड्रेसिंग होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। जैसे ही उसके बाहर निकला मतलब वो नेटवर्क में आ गया। ठीक है, मतलब उसके बीच में कौन सा नेटवर्क है हम लोग को नहीं पता है, सिर्फ कनेक्शन है बीच में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग को कहाँ से चालू होता है, जहाँ से वो केबल ऐसे कनेक्ट है और हमारे घर के बाहर चले गया, वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर का काम चालू हो जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो एंड टू एंड लेयर इसको बोला जाता है, और सोर्स और डेस्टिनेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे रहता है। ठीक है, किस में रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा उसको।
ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के यहाँ पे दो प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम लोग TCP बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो मैक्सिमम जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, जितने भी सर्वर्स होते हैं, हर जगह यूज़ किया जाता है TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में होता क्या है, ठीक है। देखो, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, उसी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं हम लोग को सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, तो सबसे पहले दोनों के बीच में हम लोग को कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ सेंडर ले लें, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं रिसीवर, ठीक है। ये सेंडर है मान के चलो, ये है रिसीवर, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ से कोई डेटा भेजना है, ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्शन हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन हम लोग को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब तक दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा हम लोग डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, सेशन, क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेशन, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेशन स्टेब्लिश होगा और ये सेशन क्या करेगा, दोनों के बीच में एक पाथ बना देगा और यहाँ पे हम लोग कितने भी उसमें डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। अब देखो, अब मान लो यहाँ से कोई भी एक डेटा भेजा, यहाँ से हेलो लिख के भेजा, ठीक है, सेंडर ने क्या किया, हेलो भेजा, ये कहाँ तक जाएगा, रिसीवर के एंड तक जाएगा और यहाँ पे वो हेलो ही रिसीव करेगा, ठीक है, हेलो ही रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंडर है, इसको कैसे पता चलेगा कि रिसीव हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है, एक ACK डेटा भेजेगा उसको और एक्नॉलेज करेगा, आपने जो हेलो डेटा भेजा था मैं सक्सेसफुली उसको रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है। उससे हम लोग को पता चलेगा कि जो हमने डेटा भेजा था वो पूरा पूरा उसी सीक्वेंस में पहुँच गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल वर्किंग होता है TCP प्रोटोकॉल का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। TCP का हम लोग देख लेते हैं, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो हम लोग को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट पे, ठीक है। इट स्टैब्लिश एंड मेंटेन्स कनेक्शन बिटवीन द होस्ट, ठीक है, दो होस्ट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा, ठीक है। व्हेन द डेटा इज सेंट ओवर TCP कनेक्शन, देन द TCP प्रोटोकॉल डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। ई सेगमेंट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग मल्टीपल रूट्स एंड दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल री ऑर्डर्स द पैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट रूट से आएंगे, वो सारे को वापस से क्या करेगा, TCP प्रोटोकॉल रीऑर्डर करेगा, रीऑर्डर करके उसको एक बंच बनाएगा, उसी ऑर्डर पे रिसीव करेगा, आया समझ में।
और जैसे ही रिसीव हो जाता है, जो रिसीवर है वो रिसीव कर लेगा, वो एक्नॉलेज करेगा कि आपने जो डेटा भेजा था वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, OSI मॉडल जैसा ही होता है, TCP/IP मॉडल। ठीक है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग कोई रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, अब रेडियो वाले जो रेडियो जॉकी होते हैं, वो लोग बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे, किसी कोई मतलब नहीं है। डेटा ब्रॉडकास्ट करके छोड़ दिया गया है, जैसे टीवी चैनल्स होते हैं। ठीक है, आजकल के टीवी चैनल्स तो पता चलता है कौन कितने यूज़र्स देख रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब एनालॉग सिग्नल्स चलते थे, ठीक है, जब तक DTH नहीं था तब तक पता नहीं चलता था कि कौन कितने चैनल्स देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पता भी नहीं चलता था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, पता चलता है। ठीक है, तो उस पहले के ज़माने में जो होता था वो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था, तो हम लोग को वहाँ पता भी नहीं चलता था कौन डेटा रिसीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो आज के ज़माने में भी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जो होता है वो अनरिलायबल टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इट इज़ एन अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एज इन दिस केस रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट व्हेन द पैकेट इज रिसीव्ड। ठीक है, द सेंडर डज नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, देयर फॉर दिस मेक्स प्रोटोकॉल अनरिलायबल। ठीक है, सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, वो वेट नहीं करेगा कि वो एक्नॉलेज करे और नेक्स्ट पैकेट सेंड करे। ठीक है, और रिसीवर भी जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेगा कि वो डेटा को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, एक्नॉलेजमेंट जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से डेटा सेंड करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते जाएंगे। ठीक है, और रिसीवर रिसीव करे मत करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा हम लोग ने जो सेंड किया है वो अगले के पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। ठीक है, आया समझ में? जैसा कि व्हाट्सएप में भी हम लोग क्या करते हैं, रीड रिसिप्ट बंद कर दिए। ठीक है, व्हाट्सएप में एक फीचर होता है रीड रिसिप्ट, जो डबल टिक आता है वो ब्लू हो जाता है, जैसे ही रीड कर लिए ब्लू हो गया। ठीक है, अगर हम लोग उसको बंद कर दिए, हम लोग उसको नोबडी में वहाँ सेट कर दिए, मतलब कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा मैसेज है वो UDP पे स्विच हो जाता है, मतलब जो कनेक्शन होगा हमारा, हम लोग के जितने कॉन्टेक्ट्स है उससे जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, जैसे ही हम लोग किसी का चैट ओपन करते हैं वहाँ पे टाइप बॉक्स जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो उस समय TCP कनेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ पे कौन सा कनेक्शन होगा, UDP कनेक्शन होगा। आया समझ में? कौन सा कनेक्शन होगा, UDP कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो UDP से क्या होगा कि हम लोग ने जो मैसेज भेजा है वो अगला बंदा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, रीड किया कि नहीं किया, हम लोग को एक्नॉलेजमेंट उसका नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लू टिक तो मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आजकल के ऐप्स वगैरह होते हैं तो इस टाइप के प्राइवेसी फीचर्स हम लोग को देते हैं, तो वहाँ पे दोनों टाइप के प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करते हैं, TCP तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में हम लोग UDP भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, फिर न्यू ब्रॉडकास्ट करके ऑप्शन रहता है व्हाट्सएप में, तो उसको अगर हम लोग करेंगे तो सबके इंडिविजुअल में हम लोग को मैसेज भेजने के फीचर मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ब्रॉडकास्ट फीचर है, वहाँ पे भी UDP यूज़ होता है, तो हम लोग एक बार ब्रॉडकास्ट कर दिए, कौन रीड किया कौन नहीं किया हम लोग कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया में होता है, सोशल मीडिया में हम लोग कोई पोस्ट डाल दिए, ठीक
ठीक है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग YouTube की बात करें, YouTube में क्या होता है, हम लोग एक वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, उसको किस किस ने देखा, उसका ईमेल आईडी क्या था, सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, समझ में आया? TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में ये दो चीज़ नहीं जाने हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना जो है व्यर्थ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डाउट है इसमें? आ गया, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ फंक्शंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ड्यू टू दिस रीजन द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बट ऑल्सो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। अब देखो, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, अब जब भी हम लोग कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो हम लोग का जो डेटा पैकेट्स वगैरह होता है उसमें आईपी एड्रेस लग के वो सेंड होता है, ठीक है, और वहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस जो है वो डेटा कहाँ से निकल रहा है, जैसे मान लो हम लोग ने जीमेल ओपन करके रखा है, ठीक है, तो जीमेल हम लोग किस में चलाते हैं, हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मान लो ये क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं जीमेल ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने खोला जीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो चार टैब है, चार टैब ओपन करके रखा हूँ मैं यहाँ पे, तो चारों टैब का पोर्ट नंबर अलग-अलग होगा, और यहाँ गूगल क्रोम जो मैंने एप्लीकेशन खोल के रखा है उसका पोर्ट नंबर अलग होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अपने रूम पे चले गए, हम लोग अपने घर पे घुसे, घर का एक एड्रेस होता है, घर का एक एड्रेस होता है, घर के एड्रेस के बाद हम लोग अपने पर्सनल रूम पे जाते हैं, पर्सनल रूम का भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि ये रूम इस साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे कोई ना कोई, मान लो 10 रूम है तो रूम नंबर 1 2 3 4 ऐसे हम लोग करके रखें। जैसे एक होटल होता है, होटल में हम लोग जाते हैं, मेन गेट होता है, पूरा का पूरा होटल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो वो होटल में भी वहाँ मान लो कि 25 रूम है, तो रूम नंबर 1 2 3 4 5 से ऐसे करके 25 तक नंबरिंग की गई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ कंप्यूटर पे या फिर कोई भी यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो अपने अपने पोर्ट नंबर को रिजर्व करता है। तो जो भी डेटा शेयर होने वाला होता है, डेटा शेयर क्या होगा, जो भी हम लोग मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो सेम पोर्ट नंबर के साथ में वहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, द ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द हेडर दैट कंटेन्स द एड्रेस नोन एज सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के साथ में पोर्ट एड्रेस भी वहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। जिस एप्लीकेशन से हम लोग डेटा सेंड किए हैं अगर उसका कोई रिप्लाई आता है या फिर वो अगला बंदा जो है सेम मैसेज को अगर फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो उसी पोर्ट नंबर पे ही रिसीव हो, ठीक है। अगर मान लो मैं फेसबुक में मैसेज किया, ठीक है, अब रिसीव कहाँ हो रहा है, इंस्टाग्राम में रिसीव हो रहा है, तो सही है क्या ये चीज़? ऐसा होना ठीक है क्या? ठीक है, मैंने जीमेल से एक मेल सेंड किया, वो फेसबुक पे रिसीव हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? ठीक है,
मैंने व्हाट्सएप से मैसेज किया, ठीक है, वो मेरे को ट्विटर में जाके रिसीव हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों होगा ऐसा? मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे मिलेगा, ऐसा ही होता है ना आज तक? कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहा है, मैसेज इधर उधर आ गया, भले हम लोग गलती से टाइप कर देते हैं इधर उधर, ठीक है, अगर चार पांच लोग से चैट कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी होता है कि सेम टाइप के मैसेज आ जाते हैं तो हम लोग इधर उधर टाइप कर देते हैं, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग इंसान से गलती हो जाती है लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होती, ठीक है। तो जब भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसका साथ में पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, तो पोर्ट नंबर के साथ में आईपी एड्रेस भी होगा, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉकेट बोलते हैं, आया समझ में? क्या बोलते हैं? सॉकेट, ठीक है। तो सॉकेट के अंदर में आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, ठीक है, सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर दोनों होता है, आया समझ में? इसी को बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलते ही नहीं कोई। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हम लोग का सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है, सेगमेंटेशन प्रोसेस जो होता है, जो भी हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं वो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड होके जाता है, मतलब पार्ट पार्ट में जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग एक 500 MB का एक फाइल सेंड कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा? वो ऐसा तो नहीं है कि 500 MB पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो उस लाइन की स्पीड है वो डेटा ट्रांसफर कितना कर सकता है, 1 MB/s, 2 MB/s, 10 MB/s, उतना ही कर सकता है वो, स्पीड उतनी ही होती है उसकी। अगर 100 MB/s का भी हम लोग लेंगे तो भी वो कनेक्शन जो है वो 30 MB/s, 40 MB/s के ही स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सेगमेंट में डिवाइड करना होता है अपना डेटा को, ताकि हम लोग का डेटा जो है पार्ट पार्ट में बहुत फास्ट ट्रांसफर हो पाए, ठीक है, आया समझ में? जैसे हम लोग कभी कभी सोचते होंगे हम लोग के पास तो यार 1 GB/s का हम लोग के पास कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 GB/s पूरा पूरा क्यों नहीं मिलता है, मतलब 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोड हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होता है दोनों होस्ट और सर्वर और अगला होस्ट जो है तीनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, वहाँ का डेटा रेट सेंड होगा, एक दूसरे को डेटा रेट शेयर होते रहता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पिंग करते हैं ना कमांड में, यहाँ पे हम लोग करते हैं पिंग, ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल के हम लोग पिंग करते हैं, ठीक है, तो ये पिंग जो करते हैं हर सेकंड पे पिंग करते रहता है जब भी हम लोग नेटवर्क्स कनेक्ट है, ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे मैं उसका दिखाता हूँ, पिंग आईपी एड्रेस, ठीक है, कमांड, ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस हम लोग देख लेते हैं क्या है, मैं पिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस मेरा ये है 192.168.0.1,
तो हम लोग कमांड में चलते हैं और इसको पिंग करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा पिंग 192.168.0.146, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे पिंग किया मैंने, ठीक है। बाइट्स 32 32 32 इस टाइप का, ठीक है। टाइम टू लीव, यहाँ पे TTL है, टाइम टू लीव, ठीक है। 128 सेकेंड्स का होता है ये, ठीक है, या फिर मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे पिन स्टेटिस्टिक्स में देख सकते हैं, फॉर 192.168.0.146 के लिए पैकेट्स क्या है, सेंट 4 रिसीव 4 लॉस्ट 0%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड्स, मिनिमम 0 ms, मैक्सिमम 0 ms, एवरेज 0 ms, ठीक है। सो जो कितना कम टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए जो डेटा सेंड होते हैं उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंड किया कितना किया गया, 4 सेंड किया गया, यहाँ पे 4 रिसीव हुआ, ठीक है। वापस से पिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम लोग का सर्वर होगा, ठीक है, वो जिससे भी कनेक्ट है ये, ठीक है, जो भी पैकेट सेंड हो रहा है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता तो ये बहुत सारा दिखाता है यहाँ पे, सेंड इतना पैकेट, सेंड इतना रिसीव, बहुत सारी चीज़ दिखाते रहता। अभी मेरे सिस्टम में कुछ भी अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पैकेट 4 ही दिखा रहा है वो, ठीक है, क्योंकि जूम ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का डेटा जो है कम सेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको हमेशा सेगमेंट में डिवाइड करके सेंड करेंगे, और जैसे ही वो रिसीव होगा रिसीवर एंड पे, वो क्या करेगा, उसको रीअसेंबली करेगा, मतलब उसको रीअसेंबल करके वापस से उसी सीक्वेंस में ज्वाइन करेगा जिस सीक्वेंस में वो सेंड किया गया था, ठीक है। जिस सीक्वेंस में सेंड किया गया था उसी सीक्वेंस में उसको रीअसेंबल करेगा और हम लोग को ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी। आया समझ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर दो टाइप की सर्विस देता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस, जिसके अंदर हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है, ठीक है। अगला प्रोटोकॉल होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस सर्विस होता है, जिसमें हम लोग मैसेज या फिर डेटा ट्रांसमिट करके छोड़ देते हैं, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आया समझ में। तो कनेक्शन ओरिएंटेड उसको बोलते हैं हम लोग जो डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करे, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद में ही डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा। कनेक्शन लेस में क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल पैकेट सेंड कर सकता है, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो पैकेट जो है वो कितने सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, कौन से रूट से जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं कनेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोग को कनेक्शन कंट्रोल मिलते हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो कनेक्शन कंट्रोल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस सिंगल लिंक, ठीक है। और एक होता है एरर कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस द सिंगल लिंक। द सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर दैट द मैसेज रीच एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर, ठीक है। देखो डेटा लिंक लेयर में भी
फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता था, ठीक है, उसमें भी है, यहाँ पे भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल रहेगा, ताकि हम लोग का जो सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं वो उसमें कोई एरर ना आ जाए। जब भी हम लोग कोई सेगमेंट्स डिवाइड करेंगे, ठीक है, हो सकता है एक आध सेगमेंट मिसिंग हो जाए या उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर जो उसमें बिट स्ट्रीम है वो अलग हो जाए, ठीक है, एक जीरो की जगह वन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा एंड टू एंड हम लोग को सर्विस मिलती है फ्लो कंट्रोल की, ठीक है। एरर कंट्रोल में भी वैसे ही है, कुछ भी एरर, कुछ भी सीक्वेंस वगैरह चेंज नहीं होने चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो ये थे फंक्शनालिटी ट्रांसपोर्ट लेयर के।